ये हमारा बॉडी मेजरमेंट है, चेस्ट हमारा 39 है, हम 2 लूजिंग देंगे और डिवाइड बाय 4 तो 10.25, वेस्ट 34 और हमारा लूजिंग 8 करके 9, हिप 42, लूजिंग 8 करके 11 और आर्म होल है 16, उसमें 1 प्लस करेंगे 8.5, शोल्डर हमारा 14.5 है, उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.25 और सब मार्जिन करेंगे तो 2-2 इंच है ना अलग से। अब स्लीव मेजरमेंट है हमारी फुल लेंथ है 15 और हमारा बाइसेप मेजरमेंट है 14 डिवाइड बाई 2 तो हमारा आएगा 7 और जो मोरी होती है लास्ट पट्टी वो हमारी है 10 डिवाइड बाई 2 तो वो हो जाएगी 5। मैं इसे शीट में काट के आपको बताऊंगी कि किस तरह का से इसे मेजरमेंट करना है और काटना है। शीट में 1 इंच डाउन करके हम शोल्डर का नाप लेंगे, 7.25 हमारा शोल्डर है, हमने उसमें मार्क कर दिया। इसी तरह हम आर्म होल के लिए 7.25 पे मार्क करेंगे, के लिए हम 3 पे मार्क करेंगे, 2.5 3 3.5 भी हम नेक ले सकते हैं तो हम 3 पे मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच डाउन करेंगे, मैंने यहाँ पे नेक 8 इंच रखा है, ऐसे में हम 8 इंच नाप के उस पर मार्क कर देंगे या तो सीधे पे हम 5 इंच करके मार्क कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे गोलाई लेके नेक की डिज़ाइन ले लेंगे, कोई सी भी डिज़ाइन ले सकते हैं। आर्म होल है 8.5 तो हम उसको इंच टेप की मदद से गोलाई करके 8.5 ले लेंगे, तो जहाँ पे भी 8.5 आएगा हम वहाँ पे मार्क लगा देंगे। जो चेस्ट एरिया है वो ऊपर से नीचे पे 10 पे आता है तो हम 10 पे लाइन खींच देंगे, उसके बाद हमारा चेस्ट है 10.25 तो हम उस पर मार्क कर देंगे। हमारा वेस्ट मेजरमेंट है 9 तो 9 आता है ऊपर से 14.5, जैसे हमारा ब्लाउज होता है 14.5 लेंथ होती है उसकी, तो वैसे 14.5 में हम लेंगे। हमारा वेस्ट मेजरमेंट है 9 तो हम 9 पे मार्क कर देंगे, 21 पर लाइन खींच देंगे और हमारा हिप मेजरमेंट 11 तो 11 पे मार्क कर देंगे। हम थोड़ा सर्कुलर करके लाइन खींचेंगे, अब हम सीधी लाइन खींच देंगे, से चाप या चौक जो भी बोलते हैं सीधी लाइन करके खींच देंगे और 2-2 इंच का मार्जिन दे देंगे। शोल्डर से लेके आर्म होल तक 0.5 का मार्जिन दे देंगे। हमारा चेस्ट मेजरमेंट था 10.25 और वेस्ट 9, हिप 11 और शोल्डर हमारा था 7.25 और आर्म होल 8.5। अब हम इसकी कटिंग करेंगे,
अब हम आर्म होल पे आधा इंच अंदर डाउन करके काट देंगे, इससे हमारा फ्रंट तैयार हो जाएगा। देखो कैसे आधा इंच करके हम इसमें गोलाई दिए, फ्रंट हमेशा हमारा अंदर की तरफ डाउन रहेगा स्लीव पे। नीचे पट्टी पे 0.5 पे हम गोलाई देके काट देंगे। आप स्लीव मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए हम इस पे शीट को फोल्ड कर देंगे और ऊपर से 1 इंच का हम मार्क करके लाइन खींच देंगे, और नीचे हमारी लेंथ है 15 इंच, 15 इंच के नीचे भी हम 1 इंच का मार्जिन देके लाइन खींच देंगे। फोर इंच का डाउन देंगे, 3.5 का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 4 देंगे, फिटिंग अच्छी आएगी। पाइप पे मार करके स्लीव बनाएंगे, या तो हम सीधी लाइन खींच देंगे 9 इंच पे और हम उसको 0.25 से गोलाई दे देंगे और अंदर की तरफ 0.25 करके गोलाई दे देंगे, फिश कट डिज़ाइन दे देंगे, या तो हम गोलाई करके 8.5 पे मार कर देंगे तो हमारा आर्म होल बन जाएगा। और जो हमारी मोरी है वो हमारी 10 है, तो डिवाइड बाय 2 5 हो गई, तो 5 और 8.5 में अंदर की तरफ लाइन खींचेंगे। दो इंच का मार्जिन देकर हम इसमें लाइन खींच देंगे और ऊपर से आधा इंच मार्जिन करके लाइन खींच के। अब हम शीट को काट देंगे। फ्रंट का पोर्शन हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके काट देंगे, ये हमारा बैक बन चुका है। फ्रंट के लिए हम उसको स्लीव एरिया पे थोड़ा सा अंदर करके काट देंगे, तो हमारा फ्रंट भी तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह हम कपड़े में से काटेंगे। ये मार्केट का सूट का कपड़ा है, तो हम इसे बैग को अलग करेंगे।
कपड़े को फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से, चाहे तो प्रेस करके भी हम इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो हमारा अच्छे से मेज़रमेंट आ जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ऑल्सो.